हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो इस समय 11th और 12th में हिंदुस्तानी वोकल सब्जेक्ट का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आपको किसी राग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसका आरोह अवरोह पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी राग की शुरुआत बजाय आरोह अवरोह के उसके अलाप के साथ करेंगे तो एग्जामिनर तो खुश होगा ही होगा, आपको भी और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और वो आप कैसे कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। पहली बात, डेफिनेटली आपको अपने टीचर से बात करनी होगी और अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको अलाप समझाए। अलाप क्यों? क्योंकि अलाप जो है वो राग की रूह होती है, वो राग को पहचानने में बहुत मदद करती है। और अगर आप एग्जामिनर के सामने राग के अलाप को गाएंगे तो एग्जामिनर की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि अच्छा, इस बच्चे को अलाप आता है, यानी कि इस बच्चे को राग आता है। क्योंकि अलाप में हम राग में लगने वाले स्वरों को बहुत जोड़कर गाते हैं। जोड़कर मेरा मतलब कि एक सुर दूसरे सुर के साथ जब जुड़ता है तो हमें आगे की तरफ लेकर जाता है, फिर हम तीसरे सुर पर जुड़ते हैं, और ऐसे करते 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 हम राग की जो फील है उसको पूरा निभाते हैं। जबकि आरोह अवरोह जब हम गाते हैं तो हम उसमें सिर्फ उसमें लगने वाले स्वरों का के आरोह यानी उसके चलन पे काम करते हैं कि भाई सा के बाद कौन सा सुर लगता है या रे के बाद कौन सा सुर लगता है, सो ऑन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप राग भोपाली गा रहे हैं अपने एग्जाम में और अगर आपने एग्जामिनर के सामने ये गाया, मैं आपको गा के बताती हूँ कि आपने शुरू किया सिर्फ आरोह अवरोह के साथ, तो बहुत सिंपल सा लगेगा। मतलब ये वो टेक्निक है जो आपको राग को पहचानने में तो मदद करेगी लेकिन आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी लाने में हेल्प करेगी। सो ये देखिए, आपने तानपुर ऑन किया, तानपुर ऑन करके अगर आप सिर्फ आरोह अवरोह गाएंगे तो आप ऐसे गाएंगे, सारे गा पधा सा। ये होता है किसी भी राग का आरोह अवरोह गाने का तरीका। तो अभी मैं जिस राग को गा रही हूँ वो है राग भोपाली, पर जब आप इस पे अलाप करेंगे, अलाप कैसे होता है देखिए, सुर वही लगेंगे लेकिन उनको लगाने का तरीका बदल जाता है। कैसे? तरीके से आपने एग्जामिनर के सामने किसी भी राग के स्वरूप को दिखाया तो एग्जामिनर को एक बात तो समझ में आ जाएगी कि आपकी जो राग में जो पकड़ है, जो पहचान है, वो बहुत अच्छी है। तो मेरी उन सब विद्यार्थियों से गुजारिश है कि अगर आप अपने एग्जामिनेशन के लिए किसी भी अपने चॉइस राग को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका अलाप अपने गुरु या अपने टीचर से ज़रूर सीखें। और प्लीज़ इसको इस तरह से ना करें कि सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, बट इस तरीके से करें कि आपको राग की समझ आ जाए, क्योंकि किसी भी राग को निभाने के लिए उसके स्वरों की समझ का होना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम श्योर कि आप इस बार अपने बोर्ड एग्जाम्स में बजाय आरोह अवरोह के अलाप के साथ राग की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड नमस्कार।